शहर में पशु क्रूरता के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला पलासिया थाना क्षेत्र के नवरतन बाग का है, जहां डॉग के बच्चे को गला घोटकर मार दिया गया। मामले में पीपल्स फॉर एनिमल ने शिकायत की है। दरअसल पीपल्स फॉर एनिमल की अध्यक्ष प्रियांशु पिता प्रशांत जैन निवासी वैभव नगर ने पलासिया थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने सागर पिता राजा बलाल निवासी दिल्ली हाल मुकाम नवरतन बाग इंदौर के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रियांशु जैन ने शिकायत में बताया कि नवरतन बाग के एक अपार्टमेंट में डॉगी के बच्चे की बॉडी मिली थी, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। रहवासियों ने बताया रात को वह अच्छा था, लेकिन सुबह मृत पड़ा था। जब रहवासियों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें सागर बलाल डॉग के बच्चे को गले से पकड़कर ले जाता दिखाई दे रहा है और लौटते समय खाली हाथ आ रहा है। मामले में पलासिया पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस पर से थाना पलासिया पर अपराध क्रमांक 563/2022 धारा 429 भादवी और 11 पशु क्रूरता अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर कारण क्या सामने आया, क्या क्यों मारा उसको? अब वो तो सामने ये है कि जो सामने आएगा आरोपी तो मालूम पड़ पाएगा क्या हुआ क्या। सागर बलाल नाम का एक व्यक्ति है जी, ये वैसे दिल्ली का रहने वाला है, किराया से रहता था।